इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में, जिसके बाद अब कांग्रेस के नेता अनंत कुमार साय ने कहा है कि भाजपा के किले जल्द ही गिरेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि भाजपा को अनंत कुमार साय के वजन का पता नहीं था, लेकिन अब पता चल जाएगा। दोनों आदिवासी नेताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिपरिहा ने। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है और इससे पहले कि हमने देखा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने जो है पिछले दिनों कांग्रेस प्रवेश कर लिया। आप देख सकते हैं हमारे साथ नंद कुमार साय जी हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ जो है आदिवासी नेता और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है कि कांग्रेस के नेता जो है भाजपा में शामिल होने वाले हैं। तो सबसे पहले नंद कुमार साय जी, दरअसल इसकी शुरुआत आपने की, आप भाजपा में थे, कांग्रेस में आ गए, अब भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कई कांग्रेसी जो है कतार में है, तो इसको कैसे देखें आप? अब उन्होंने कहा है, अब हमारी नोटिस में, हमारी जानकारी में तो ये सब बातें नहीं हैं, और मुझे लगता है कि कोई कांग्रेस वाला बीजेपी ज्वाइन कर रहा होगा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग जो और आने वाले हैं उनको रोकने की कोशिश है जी, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप कोई नाम बता पाएंगे क्या, क्योंकि आप एक बड़े नेता रहे बीजेपी में, हो सकता है आपसे भी चर्चा हो रही हो? नहीं, ऐसा कोई नाम अभी बताना ठीक नहीं है और उचित भी नहीं है, लेकिन ये जो बीजेपी की तरफ से प्रचार किया जा रहा है, मैं केवल उसका उत्तर देना चाहता हूँ जी। हाँ, तो हमारे साथ जो है खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी भी हैं। सर, कह रहे हैं कि कांग्रेस के बहुत से असंतुष्ट जो है बीजेपी में आना चाह रहे हैं। देखिए, माननीय साव जी का जो बयान है वो राजनीतिक पैतरेबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं है, लोगों को भ्रामक एक संदेश दे रहे हैं। नंद कुमार साय जी क्या चीज़ है ना, कोई जिनको हल्के में लोग लेते थे ना, तो अब उनको उनका वजन पता चलेगा और उनका असर पता चलेगा। जब इनका किला ढहेगा तो उनको अपनी गलती का एहसास होगा जी। लास्ट सवाल, कौन सा किला आप ढहाने वाले हैं, भगत जी कह रहे हैं? देखिए, किले जब गिरेंगे ना, उसी समय उसको आप देखें भी और अनुभव करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये थे हमारे साथ दो वरिष्ठ आदिवासी नेता जो आज कांग्रेस में हैं, और इनका सीधे तौर पर कहना है, खासकर नंद कुमार साय जी का, जब किला ढहेगा तब देखना होगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तो कांग्रेस या बीजेपी से कांग्रेस में कौन इधर और उधर हो रहा है। कैमरामैन समर गोस्वामी के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।